आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज़ एंड नेचुरल स्टेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक एरोमेटिक प्लांट की बात करेंगे, रुधिलो या पोगोस्टिमोन बंगालेंसिस के नाम से जानते हैं। लेमिएसी का ये मेंबर है। पर्पल कलर का इन्फ्लोरेसेंस आप देख रहे हैं। सिंपल लीव्स हैं और लीव्स में एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है। लीव्स से एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो बाद में वेरिकोज वीन की समस्या के दूर करने के लिए उपयोग में आता है। और अगर इसके ऑयल आपको ना मिले तो ये समस्त एपिकल पोर्शन आप देख रहे हैं, इसका पेस्ट बनाकर पुल्टिस बांध देनी चाहिए, ड्रेसिंग कर देनी चाहिए और मॉर्निंग में फिर से इसको खोलकर मसाज देनी चाहिए। जल्दी ही वेरिकोज वीन की समस्या दूर हो जाती है। मित्रों, इसके पत्र का आप ग्रीन टी बनाकर भी सेवन कर सकते हैं, जो कि एंजाइटी को दूर करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी को, एंटी डिप्रेसेंट का मतलब होता है डिप्रेशन को दूर करने के लिए और अच्छी नींद लाने के लिए, नेचुरल नींद को लाने वाला स्लीप इंड्यूसर है, एंजाइटी को दूर करता है, मानसिक जो तनाव होते हैं उसको दूर करता है और मानसिक तनाव के दूर होने के बाद ये अच्छा एफ्रोडाइसिक भी है, वाजीकरण के लिए उपयोग में आता है और किडनी डिसऑर्डर्स के लिए उपयोग में आता है। डायूरेटिक का कार्य करने के बाद ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में विशेष सहायक है। ये नेफ्रो प्रोटेक्टिव, नेफ्रोन के प्रोटेक्शन के लिए, GFR रेट को बढ़ाने के लिए, न्यूरो प्रोटेक्टिव, न्यूरोन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए और इसकी एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी निमोनिक एक्टिविटीज़ भी हैं। TB को सही करता है और निमोनिया से हमको बचाता है। मसाज के माध्यम से आप एंजाइटी रिलीव कर सकते हैं। एरोमाथेरेपी में काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो पॉलीफ्लोनिक कंपाउंड और फ्लेवोनाइड पाए जाते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी पत्रों की एंटी डायबिटिक और एंटी वायरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। डिकॉक्शन के माध्यम से आप इसका सेवन कर सकते हैं। मित्रों, ये प्लांट तुलसी के कुल का प्लांट है और तुलसी की तरह ही आप इसको बुखार के लिए, जॉइंट पेन के लिए, शरीर के अंदर कहीं पीड़ा हो रही है या दुखन हो रही है उसको दूर करने के लिए भी आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। आप ग्रीन टी बनाकर भी, शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। नेचुरल इम्यूनो मॉड्यूलेटर का भी ये प्लांट कार्य करता है। कलेक्ट करके और सुखा के घर में रख सकते हैं। पॉटपोरी के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे घर में फैल जाएगी और आपके अच्छे मूड के लिए, एंजाइटी से रिलीव करने के लिए आप इसके पत्र से डिकॉक्शन बनाकर स्नान भी कर सकते हैं। नेचुरल एंटीसेप्टिक का ये कार्य करता है, शरीर की थकान को मिटाता है और सूखे हुए पाउडर को कंडे के ऊपर आप रखेंगे तो इसकी जो फ्यूम्स होते हैं घर के वातावरण को अच्छा करेंगी। उनके अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती है, वायुमंडल की एयर को प्यूरीफाई करने का ये कार्य करता है और घर के अंदर फ्रेग्रेंस होगी और आपके मन को अच्छा लगेगा, तनाव मुक्त करेगा। इस प्रकार से वाइड थेरापेटिक एप्लीकेशन इस प्लांट के हैं। आप इसको कंजर्व कीजिए, गमले में आप लगा सकते हैं। इसके सूखने के बाद मंजरी से इसके बीज निकलते हैं और इसको गमले में आसानी से आप लगा सकते हैं। दैनिक जीवन में विशेष उपयोगी है, या वर्म्स हों उनको ये दूर करने का कार्य करता है। जानकारी को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नई नई जानकारी नित्य प्रति मिलती रहे। आपके क्षेत्र में किस नाम से इसको जाना जाता है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।